हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन. आई एम आल्सो फाइन. टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट सम एक्स्ट्रा न्यू जर्नल एंट्रीज. ओके, सम डिफिकल्ट एंट्रीज वी आर डिस्कसिंग टुडे. नाउ अगर मान लीजिए कुछ जर्नल एंट्रीज ऐसी हैं जैसे ड्राइंग्स इन गुड्स. जैसे क्या है? Drawings in goods. अगर जैसे कैश withdrew from ऑफिस फॉर पर्सनल यूज तो ड्रॉइंग टू कैश. अगर हम गुड्स निकालते हैं ऑफिस से पर्सनल यूज के लिए तो एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. टू परचेज अकाउंट, ठीक है जी. ये एंट्री है पहली. दूसरी एंट्री, अगर हम गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं, ड्रॉइंग्स इन गुड्स पर्सनल यूज के लिए सामान ऑफिस से गुड्स निकालते हैं तो एंट्री विल बी पोस्टेड ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज. और ड्रॉइंग इन कैश तो ड्रॉइंग टू कैश. और ड्रॉइंग कैश फ्रॉम बैंक तो ड्रॉइंग टू बैंक. ओके, इसका देख सकते हो आप. पहली एंट्री थी, इसकी दूसरी एंट्री. ड्रॉइंग्स इन कैश, अगर कैश में निकालते हो तो एंट्री आएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. गॉट इट? थर्ड एंट्री, फर्स्ट का थर्ड पार्ट. अगर वो बैंक से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है, ड्रॉइंग्स कैश फ्रॉम बैंक तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. उसके बाद हमारी दूसरी तरह की एंट्री है. दूसरी एंट्री है गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल. गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल. गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल. अगर आपने कुछ सामान ऐसा है जैसे आपने बिस्किट की फैक्ट्री लगाई, बिस्किट की फैक्ट्री लगाने पे आपने क्या किया, बिस्किट्स कुछ फ्री सैंपल के रूप में बांटे. जैसे मॉल में जाके या पिक्चर हॉल में जाके आपने फ्री सैंपल एक एक बिस्किट पैकेट में रैप करके उसको बांट दिया ताकि वो लोग आपको अपना फीडबैक देंगे कस्टमर्स, तो वो फीडबैक आपको आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. तो फ्री सैंपल, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, तो उसको कह सकते हो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट या प्रमोशन एक्सपेंसेस. फ्री सैंपल ओब्लिक प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू. आपने क्या फ्री सैंपल बेचा है, क्या फ्री सैंपल दिया है, सामान, तो गुड्स के लिए क्या करते हैं हम, परचेज टू परचेज अकाउंट. नेक्स्ट, सेकंड हो गया. थर्ड आएगा गुड्स गिवन एज चैरिटी. चैरिटी चैरिटी के रूप में, दान के रूप में दिया है. गुड्स गिवन एज चैरिटी. चैरिटी यानी कि दान दिया है आपने कुछ सामान का, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट. चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. ये हमने तीन एंट्रियां की. इसके बाद देखते हैं फोर्थ, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और फायर.
अगर आपका सामान जल जाए या सामान का लॉस हो जाए, लॉस ऑफ गुड्स, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और फायर, आपका सामान जल जाए या चोरी हो जाए, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम चोरी की एंट्री करते हैं। इसमें तीन एंट्री आप देखने को मिल सकती है आपको। पहली एंट्री, अगर मान लीजिए आपका सामान जल गया और आपने इंश्योरेंस भी ले रखा है उस सामान का, तो सबसे पहले हमारे चोरी होने की सामान की एंट्री आएगी या जलने के सामान की एंट्री आएगी। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट, थेफ्ट ओब्लिक फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, इसकी तीन एंट्री हमें देखने को मिलेंगी। टू, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट पहली एंट्री, यानी के सामान जलने की एंट्री। सामान जल गया, अगर मान लीजिए सामान जल गया और हमने उसका इंश्योरेंस भी करा रखा है, तो वो क्वेश्चन में बताएगा कि इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिला। तो सामान जलने के बाद, जैसे मान लीजिए आपका कोई एक्सीडेंट हो गया स्कूटर से, बाइक से, मान लीजिए एक्सीडेंट नहीं हुआ, आप गिर गए उसी टाइम, आपने स्टार्ट करना की कोशिश की, आपसे वो संभली नहीं, बाइक गिर गई और आपका प्लास्टिक का जो भी पार्ट था उसका वो टूट गया, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है? जैसे ही वो टूटता है आप हमारे पास ले आओ इसे, या अपने पास बुला लो, अपनी जहां भी आपकी वर्कशॉप है वहां बुला लो। पहले तो हम लॉस की एंट्री करेंगे, लॉस बाय फायर या थेफ्ट, टू परचेज। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को बुलाएंगे। इंश्योरेंस कंपनी आएगी, देखेगी, उसको चेक करेगी, एनालाइज करेगी कि कितने का नुकसान है और कितना आपको पैसा मिलना चाहिए। तो जब इंश्योरेंस कंपनी आपके पास, आप बुलाते हो इंश्योरेंस कंपनी को, एग्जामिनर आएगा जो एग्जामिन करेगा कि भाई कितना पार्ट टूट गया है, कितना इसका पार्ट बचा हुआ है। पहले इंश्योरेंस कंपनी के आने की एंट्री कर दो आप, इंश्योरेंस कंपनी के आने की एंट्री कर दो। लेकिन एक बात है, जब भी आप इंश्योरेंस कराते हो, इंश्योरेंस कंपनी को आपको जो टूटा हुआ प्लास्टिक का जो भी पार्ट है आपको, वो उसके हैंडओवर करना पड़ेगा। वो आपको क्या करेगी, नया पार्ट दे देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी को बुला लो और इंश्योरेंस कंपनी कहेगी इसको छेड़ो मत, एज इट इज इसको मेरे को दे दो, टूटे हुए सामान को। तो इंश्योरेंस कंपनी के आने की एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। टू, इंश्योरेंस कंपनी आ गई आपके पास, उसको क्या करो, जला हुआ सामान या फायर हुआ सामान वो दे दो। टू, लॉस बाय फायर या थेफ्ट अकाउंट, यानी कि उसको जला हुआ सामान या जो भी है उसको वो पर्ची दे दो, जो जले हुए सामान की या चोरी हुए सामान की वो दे दो आप, उसको दे दो। ये दो एंट्री आ गई, एक एंट्री और आएगी अब इसमें, तीन एंट्री आएंगी और क्वेश्चन बताएगा कि कितनी एंट्रियां आपको आनी चाहिए। अगर मान लीजिए कह रहा है इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट इज डेबिटेड बाय द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द एसेट, इंश्योरेंस क्लेम इज ट्रीटेड एज एन एसेट टिल इट इज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, लॉस बाय फायर इज क्रेडिटेड बिकॉज द लॉस विच वॉज डेबिटेड अर्लियर इन लाइकली टू बी कंपनसेटेड। यहाँ पे हमारा डेबिट हुआ था, हमने इसको क्रेडिट कर दिया। फिर क्या कहता है, ऑन रिसिप्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिटेड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एसेट्स बैंक, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट इज क्रेडिटेड बिकॉज डिक्रीज इन एसेट आउट ऑफ द टोटल क्लेम इफ ओनली द पार्शियल क्लेम इज एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। जर्नल एंट्री क्या होगी, अगर मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है, इसमें भी दो एंट्री होंगी, थर्ड वाली एंट्री में
सबसे पहले तो सामान जल गया या चोरी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी आई, उसको आपने बिल दे दिया या जला हुआ सामान दे दिया। फिर इंश्योरेंस कंपनी एनालाइज करती है कि कितना सामान जल गया। अगर इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि मैं आपको पूरा क्लेम दे देती हूँ, पूरा सामान जल गया आपका, पूरा चोरी हो गया, तो वो आपको पूरा पैसा दे देगी। तो पूरे पैसे की एंट्री पहले फुल्ली अमाउंट रिसीव्ड। अगर पूरा पैसा रिसीव हो जाए इंश्योरेंस कंपनी से तो क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। टू, जो ये डेबिट हो रखा इंश्योरेंस कंपनी, इसको छोड़ दो, इसको जाने दो, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ये एंट्री हो सकती है। एक एंट्री और हो सकती है इसके अंदर, वो क्या हो सकती है? अगर मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी से पूरा पैसा नहीं मिलता है आपको, पार्शियली मिलता है, यानी कि कुछ हिस्सा मिलता है आपको क्लेम का, जैसे इसके बीच में और डाल दो, दूसरी एंट्री क्या हो सकती है? अगर मान लीजिए वो कहता है कि कुछ पैसा पार्शियल अमाउंट रिसीव्ड, मान लीजिए कहता कुछ पैसा आपको मिलता है, पूरा पैसा नहीं मिले, तो क्या होगा एंट्री? यहां तो पूरा पैसा मिल गया, फुल अमाउंट, यहां पार्शियली मिला, कुछ पैसा मिला, तो एंट्री होगी, या तो ये एंट्री होगी या ये एंट्री, और बैंक अकाउंट डेबिट, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। मान लीजिए आपका माल जला था, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए का, फॉर एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, इसी में एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए आपका 10,000 का माल जल गया, ठीक, आपने इंश्योरेंस कंपनी को बुलाया और उसको दिखा दिया, उसकी पर्ची दे दी और जला हुआ सामान उसको हैंड ओवर कर दिया। अगर मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा क्लेम दे देती है 10 का 10,000, तो 10,000 यहां डाल दो और 10,000 यहां डाल दो। या अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी कहती है नहीं 8,000 का क्लेम ही मैं आपको दूंगी, तो 8,000 डेबिट में, 10,000 इंश्योरेंस कंपनी के नाम से छोड़ दो उसको, इंश्योरेंस कंपनी को, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ आपको 8,000 दिए, 10,000 हमने उसको, 10,000 से हमने उसको फ्री कर दिया 10,000 रुपए से। भाई इंश्योरेंस पहले लॉस हुआ, लॉस के बाद इंश्योरेंस कंपनी को बुलाया, 10,000 का उसको पर्ची दे दी, फिर वो कहता है दो केस हैं, या तो वो पूरा पैसा दे दे या फिर वो पार्शियली पैसा दे, कम, उसने 10,000 का तो इंश्योरेंस कंपनी थी, 8,000 इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया, 2,000 का आपको घाटा हो गया, उसको डेबिट में डाल दो 2,000 रुपए का। ये हमारा गोल्डन रूल लग गया आपका, थर्ड गोल्डन रूल, डेबिट ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, तो डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये एंट्री थी हमारी, ये हमने नई एंट्रियां करनी है, आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ये आपको राइट डाउन करनी है, नोट डाउन करना है। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन की फोटो भेजूंगा, तो पहले उस क्वेश्चन को फ्रेम कर लेना अपनी कॉपी पे, उसके बाद एंट्रियां शुरू करना, गॉट इट? पहले मैं क्वेश्चन रीड करता जाऊंगा अभी तो आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको वीडियो खोलने से पहले आप क्या करना, उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। तो देखते हैं आज का काम, क्वेश्चन कह रहा है, मैं इसकी फोटो आपको भेज दूंगा, आप सुनते जाएं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, इन ट्रांजैक्शंस की आपको एंट्री पास करनी है, 6 एंट्रियां हैं ये,
छह जर्नल एंट्री हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं आज। नंबर वन इलस्ट्रेशन, टू इलस्ट्रेशन नंबर टू, तो देखते हैं अभी एंट्रियां क्या है। डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट और क्रेडिट, ऊपर जर्नल एंट्री, आपको ये पूरा लिखना है। पहली एंट्री क्या कह रही है? नंबर वन एंट्री, उसने कहा ओनर विड्रू गुड्स वर्थ रुपीज 8,000 फॉर पर्सनल यूज, यानी कि मालिक ने 8,000 का सामान निकाला है पर्सनल यूज के लिए, यानी कि गुड्स निकाला है। उसने क्या कहा? ओनर विड्रू गुड्स, ओनर ने क्या निकाला है? गुड्स निकाला है मालिक ने, मालिक ने गुड्स निकाला है पर्सनल यूज के लिए। तो जब भी मालिक अगर पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो पर्सनल यूज के लिए कौन सा अकाउंट खुलता है? ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू, 8,000 रुपए का सामान निकाला है, 8,000 का टू, क्या निकाला? कैश नहीं निकाला, गुड्स निकाला है, तो टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। ये थी नरेशन भाई, एज इट इज क्वेश्चन वाली लिख देना, बीइंग गुड्स विड्रू फॉर पर्सनल यूज एज इट इज, कट कॉपी पेस्ट। दूसरी एंट्री, सेकंड एंट्री, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट, गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल के रूप में 10,000 रुपए आपने का सामान बांटा, फ्री सैंपल। वही बताया था मैंने, प्रमोशन एक्सपेंसेस, प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, गुड्स फ्री सैंपल के लिए बांटा तो प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, टू क्या बांटा आपने? टू गुड्स बांटा है तो टू परचेज अकाउंट, ये बांटा 10,000 का। नेक्स्ट नरेशन लिख देना आप एज इट इज। थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री, वी आर डिस्कसिंग अबाउट गुड्स वर्थ रुपीज 7,000 हैविंग सेल वैल्यू ऑफ रुपीज 10,000 वर गिवन एज चैरिटी। इसने क्या कहा? गुड्स वर्थ रुपीज 7,000 का हैविंग सेल वैल्यू ऑफ रुपीज 10,000 वर गिवन एज चैरिटी, 7,000 रुपए का सामान है लेकिन हम उसको चाहेंगे सेल करेंगे तो कितने का बिकेगा? 10,000 रुपए का। सेल वैल्यू और जो भी आपकी कॉस्ट है उसकी, विच एवर इज लोअर लेना है, यानी कि 7 का सामान 10 में बिक जाएगा अगर हम बेचना चाहें तो, लेकिन सामान हम बेच नहीं रहे, अगर बेच रहे होते तो एक अलग एंट्री होती, अब हम चैरिटी के रूप में दे रहे हैं सामान को, तो पहले तो चैरिटी की एंट्री करो, चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू। तो पहले हम चैरिटी की एंट्री करेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, पहले तो चैरिटी की एंट्री कर दी आपने। फिर वो कह रहा है सेल वैल्यू और वर्थ गुड्स की वैल्यू कितनी की है, हमें सेल वैल्यू और गुड्स की कॉस्ट, कॉस्ट और सेल वैल्यू, इन दोनों में से, कॉस्ट तो है 7,000 की और सेल वैल्यू है 10,000 की, हम इन दोनों में से कौन सी लेनी है? विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो कम होगी उस वैल्यू को हमें कंसीडर करना है। हाँ जी, विच एवर इज लोअर, नरेशन लिख देना, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, दोनों में से जो कम है 7,000 रुपए, 7,000 रुपए को कंसीडर करना है जब हम दान देते हैं या पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, उसके बाद उसने क्या कहा? फोर्थ एंट्री, फोर्थ एंट्री में उसने कहा गुड्स वर्थ रुपीज 15,000 वर लॉस्ट
ड्यू टू फायर, यानी कि नंबर फोर्थ एंट्री उसने सिर्फ ये कहा है कि 15,000 का सामान जल गया, लॉस ड्यू टू फायर। उसने कुछ नहीं कहा किसमें फोर्थ एंट्री में कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी आई है क्लेम कितना देगी, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने ये कहा है कि आपका सामान जल गया है, कितने का, 15,000 का। तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। ये हमारी एंट्री थी, 15,000 रुपए का सामान जल गया, 15,000 का सामान जल गया इसका, ठीक है जी। ये एंट्री थी हमारी, चार एंट्रियां। इसमें ये नहीं कहा गया क्वेश्चन फोर्थ में एंट्री में, फोर्थ एंट्री में कि इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम दिया, क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ इतना कहा कि लॉस बाय फायर, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नाउ वी आर डिस्कसिंग फिफ्थ एंट्री, फुल्ली इंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹10,30,000 लॉस्ट बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ओनली 70% वॉज रिसीव्ड। यानी कि उसने कहा 30,000 का तो सामान जल गया, हाँ जी, इसमें क्या कहा, 30,000 का सामान जल गया। तीन एंट्री आऊंगी इसमें, वो यहां देखते हैं हम लोग। फिफ्थ एंट्री, पहले तो 30,000 का सामान जल गया और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 70% का क्लेम दिया। ये दो बातें हमारे पास हैं, 30,000 का सामान जल गया और 70% पैसा रिसीव हुआ। तो सबसे पहले एंट्री, तीन एंट्रियां करेंगे हम, पहले तो लॉस, सामान जलने की एंट्री करेंगे, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। 30,000 का सामान आपका जल गया, हाँ जी। नेक्स्ट, दूसरी एंट्री भी पास करेंगे हम। उसने कहा इंश्योरेंस कंपनी आपको 70% का क्लेम दे रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, इंश्योरेंस कंपनी को अपने घर बुलाओ और उसको जला हुआ सामान दे दो। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, उसको क्या करो, 30,000 का जला हुआ सामान पकड़ा दो, 30,000 का जला हुआ सामान पकड़ा दो। फिर तीसरी एंट्री, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या दे रही है, पैसा दे रही है, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या दे रही है, पैसा दे रही है, कितना दे रही है, 70% आपको पैसा दे रही है। एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी तो थी 30,000 की, इंश्योरेंस कंपनी के सामने लिख दो 30,000। अब 30,000 का 70% आपको मिल रहा है पैसा, यानी कि 21,000, 30 में से 21,000 मिला, 9,000 नहीं मिला, 9,000 का हो गया लॉस। इसको डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये हमारी पांच एंट्रियां थी। इसके बाद सिक्स्थ एंट्री है, वो आपके लिए होमवर्क रहेगी। ओके स्टूडेंट, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।